तुम एनडीए बनाओ, हम बाबा साहब का भारत बनाए। गोविंद स्वराज के लोगों ने ठान लिया है कि 2023 और 2024 में ये नीला झंडा हाथ के निशान भोपाल भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा। के अंदर जो पार्टियां हैं, जो पूंजी वाली पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। कुछ पूंजीवादी लोगों ने बनाया एनडीए और कुछ पूंजीवादी लोगों ने बनाया इंडिया। माने कि 38 पार्टियां एनडीए में और 26 से 27 पार्टी कांग्रेस ने जो इंडिया बनाया। अरे तुम इंडिया बनाओ, तुम एनडीए बनाओ, हम बाबा साहब का भारत बनाए। बाबा साहब का भारत बनाएंगे और हम गर्व से बोलते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं। गोविंद सभा का एक एक सिपाही बोलता है, आप बाद में बोलते, हम पहले बोलते हैं और जय भीम जय भारत से शुरुआत करते हैं। और आप इंडिया बनाओ, लेकिन हम भारत बनाएंगे, क्योंकि आपके इंडिया में पूंजीवादी लोगों की बू आती है, आपके इंडिया में सेठों की बू आती है। तो आज बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है ये 2023 और 2024 में ये नीला झंडा हाथ के निशान भोपाल भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा। रोक सको तो रोक लो, यही चैलेंज करता हूं। प्रदेश के अंदर इंडिया आने वाली है, न इंडिया आने वाली है। अब भारत को मानने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली और बीएसपी की सरकार आने वाली, और इसके लिए आज आप सब ने इस बात को दिखा दी। इधर यहां पर इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मैं देख रहा हूं कि मेरे तमाम ओबीसी के भाई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, देख लीजिए ओबीसी के भाई बैठे, और मेरे आदिवासी समाज के कोल भाई बैठे होंगे, बैठे कि नहीं बैठे हैं, बैठे हुए कोल बैठा है, ओबीसी का पटेल बैठा है, यहां सोंधिया जी बैठे हैं, कुशवाहा जी बैठे हैं, हमारा साकेत बैठा है, हमारा चौधरी बैठा है, और इस बार उसने ठान लिया है कि भोपाल में हाथी जाएगा, मणिगवां विधानसभा को जिता करके हाथी हम भोपाल। कांतिराम साहब के सिपाही हैं, ये भारत बनाएंगे और बीएसपी को सत्ता में लाए। हम बीएसपी के मानने वाले लोग हैं, यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, मानते कि नहीं मानते, कितने लोग बीएसपी को मानने वाले लोग हैं यहां पर? 100% लोग गोधन समाज पार्टी और बीएसपी को मानने वाले लोग हैं।